आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। रोड, पानी, मकान, शौचालय नहीं तो भोजन। ग्राम पंचायत बजरंगपुरा में विकास कार्य न होने से नाराज मतदाताओं ने किया चुनाव बहिष्कार का निर्णय। विधानसभा देपालपुर 203 जनपद पंचायत। देपालपुर के ग्राम पंचायत बजरंगपुरा नयापुरा के मतदाताओं ने बहिष्कार किया। यहां के मतदाताओं ने इसके लिए वार्ड के मुख्य मार्ग पर चुनाव के बहिष्कार का फ्लैक्स भी लगाया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर अपनी नाराजगी दिखाई। मतदाताओं ने बताया कि हमारे पंचायत में ना तो सही पानी पीने का है और ना रोड है ना शौचालय है। शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। 600 लोगों की आबादी वाले गांव में नहीं हुआ विकास। गंदा पानी पीने को लोग हैं मजबूर। पानी भरते समय हुए 2 हादसे। हादसों में गई 2 की जान। आज तक कोई जनप्रतिनिधि खबर लेने नहीं पहुंचा। इस मामले में मतदाताओं ने निर्णय लिया है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पानी सी की समस्या आ रही है सर, हमें पानी की बहुत परेशानी आ रही है। पानी में मतलब इतना दुख हो रहा है हमको, मतलब कि हर समय पानी में तो 12 महीने ही पानी का दुख रहता है यहाँ पे। और कितनी बार शिकायत करेंगे हम यहाँ में, शिकायत कर करके हमारी परेशानी हो रही है। मतलब अभी पानी क्या व्यवस्था है? अभी पानी कोई व्यवस्था नहीं है, कुएँ की व्यवस्था है। वहाँ तो कुएँ का पानी तो बिल्कुल इतना है मतलब ख़राब पानी के, मतलब तो उससे बीमार हो रहे। अभी 10-12 दिन पहले एक लड़की मर गई, उसके पहले एक लड़की का पैर फिसल के वहाँ पर मर गई, फिर उसके पहले एक लड़का मर गया वहाँ, मतलब पानी भरने गए तो इतनी परेशानी आ रही है वहाँ पे। और वहाँ का पानी जो पीते हैं तो वहाँ पे बीमारी पड़ते हैं लोग मतलब। और आज की स्थिति ये है कि हमको पानी मोल 600 रुपये टैंकर ला के पीना पड़ रहा है बारे में, और 12 महीना वो पानी पीना पड़ता है हमको टैंकर से। मतलब कौन पिएगा वहाँ पे? इस बारे में आपने सरपंच विधायक से बात करी? विधायक को मतलब लिखित में दिया ना, सरपंच को भी लिखित में दिया हमने, मनोज पटेल विधायक को दिया हमने, यहाँ गांव में बुलाया उनको। उनका क्या कहना पड़ता है? उनका कहना ये पड़ा था कि भाई तुम्हारे को पानी की सुविधा कर देते हैं, टंकी बनवा देते हैं, बोरिंग लगा देते हैं, तो वो अभी तक नहीं हो पाया यहाँ पे। विधायक जी का दौरा कब कब हुआ इस गाँव में? ये मतलब वहाँ पे मतलब एक बार आए थे सूर्य स्टार्टिंग के अंदर में, जब चुनाव जीते थे जब, उसके बाद में नहीं आए वो। अब वोट लेने आएंगे तो आप क्या बोलेंगे उनसे? वोट लेने आएगा तो ये सब याद दिलाएगी उनको, कभी ये काम हमने तुमने 5 साल में नहीं किया था, अभी क्या कौन सा काम करेंगे बताओ। आपने गांव के बाहर कुछ वोट लगा रखे, क्या वोट है वो? विकास नहीं तो वोट नहीं। 600 वोट को बहिष्कार कर दिया हमने सब, हमारे गाँव का एकता हुआ था हमारा, एकता करके हमने बोल दिया कि भाई किसी को अपन को वोट देना ही नहीं है, जब तक गाँव में विकास नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। क्या क्या यहाँ पर विकास नहीं हुआ? यहाँ पे तो विकास है, स्कूल नहीं है, खरिंजा नहीं है, लेटिंग बाथरूम नहीं है, कोपिन नहीं बने हैं यहाँ पे, गैस की टंकी नहीं बनी है। प्रधानमंत्री से आवास योजना का था वो ही नहीं हुआ है हमारा। और यहाँ पे मतलब कच्चे मकान बने हुए, खुद गांव में घूम फिर के देख लो, अब हमको झूठ बोल रहे हैं। तो आपका नाम? लाखन सिंह। कौन सी पंचायत से? बजरंगपुरा। बजरंगपुरा से क्या समस्या है? पानी आप यहाँ से ले जा रहे हैं? पानी यही से पीना पड़ता है सर, ये कुएं में से। तो ये तो गंदा पानी है। आप अब गंदा पानी है तो क्या करें सर, यह कुछ भी तो सोचता ही नहीं पानी की, ना होल की, ना कुएं की, ना कुछ खेती बाड़ी में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पानी तो यही से पीना पड़ता है सर। इससे पहले गुड़िया आपकी चली गई थी ना, पानी भरते भरते शांत हो गई। 12 साल की गुड़िया थी मेरी, पानी लेने आई थी सर तो पैर फिसल गया तो कुएं में डूब गई थी। और अभी भी 11-10 दिन पहले भी कोई बच्ची मुड़ गया। 11 दिन हो गए, अभी एक लड़की थी वो भी पानी लेने आई थी सर, तो वो भी उसका भी गुजर गई, वो भी यहीं शांत हो गई।
कितने गांव की आबादी है यहाँ पर? 600 लोग यहीं से पानी पीते हैं? आपने सरपंच विधायक को बात करी कुछ? किसी सरपंच विधायक को सबको बोला था हमने, हमको स्वच्छता नहीं किया। इस बार चुनाव आ रहे हैं तो आप वोट किसको देंगे? नहीं देंगे सर, हम अभी इसलिए वोट नहीं देंगे कि हमारे गांव की कोई स्वच्छता तो है ही नहीं सर, तो वोट देके क्या काम का है। वोट लेने आता है सर के हाथ पैर जोड़ के चला जाता है कि तू मेरे गांव में हम कुआं खुदवा देंगे, ये होल खुदवा देंगे, तू मेरा पक्का घर बना देंगे, खुटी बुला देंगे, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं, ना खरंजा ना कुआं ना बावड़ी ना कुछ भी नहीं, ऐसे होल भी नहीं, पानी यही कुएं से पीना पड़ता है हमको। अब लड़की भी मर गई, फिर देखो दूसरी बच्ची मर गई, फिर अभी भी ऐसा गंदा पानी पीना पड़ता है हमको।